स्टूडेंट्स बच्चों, यूनिट फोर्थ चल रही है हमारे कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन इस पेपर की। यूनिट फोर्थ का आज हमारा जो इसमें इम्पोर्टेंट विषय जो हमारा है वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो बच्चों, जैसा कि आधुनिकीकरण शब्द का जो अर्थ है वह आधुनिक बनने की एक प्रक्रिया, यानी कि भाई हर कोई आज जो है मॉडर्न बनना चाहता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहता है। तो आधुनिकीकरण यदि शब्द का अर्थ लिखना है तो आधुनिक बनने की प्रक्रिया को ही हम मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण कहते हैं। बच्चों, जीवन का कोई भी क्षेत्र आज इस मॉडर्नाइजेशन से, इस आधुनिकीकरण से जो है वो अछूता नहीं है। चाहे वो हमारा औद्योगिकीकरण हो, हमारे कृषि क्षेत्र हो, या हमारी शिक्षा भी इससे कह लीजिए वह भी इससे अछूती नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक पहलू में अगर हम देखें तो आज मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि में भी देखो, जो पहले कृषि होती थी वो पारंपरिक तरीके से, हमारे ट्रेडिशनल तरीके से करते थे किसान, लेकिन आज नई नई मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, नए नए यंत्रों का उसमें प्रयोग किया जा रहा है, नए नए बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सारा क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। इसी प्रकार हम अगर शिक्षा की भी बात करें तो शिक्षा भी आज वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं दी जा रही है। शिक्षा में भी हम नए नए तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। आज बच्चों, प्राचीन काल की तरह जैसे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, आज वह शिक्षा पद्धति नहीं रही है। आज स्मार्ट क्लासरूम लगते हैं, आज कंप्यूटर पर बच्चों को वर्क कराया जा रहा है, इंटरनेट पर बच्चों को वर्क कराया जा रहा है। तो बच्चों, ये सारा क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है। तो इससे जीवन का कोई भी क्षेत्र, चाहे हमारा औद्योगिक हो, हमारी कृषि हो, हमारी शिक्षा हो, वह कोई भी क्षेत्र इससे वंचित आज अछूता नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन आज हो रहा है। तो बच्चे, जैसे अगर हम आज की बात करें, इस कोरोना महायुग में भी देख लीजिए जो ये महामारी चली हुई है, बच्चे स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी बच्चों को हम जो है आज जो है गूगल मीट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को टीचर घर बैठे ही क्लासरूम लेकर पढ़ा रहे हैं एक प्रकार से। तो ये क्या है सारा, ये मॉडर्नाइजेशन ही तो है, आधुनिकीकरण का ही एक प्रक्रिया है बच्चों ये सारा कुछ। तो यदि इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, इस मॉडर्नाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसको अपनाया जाना चाहिए, क्यों आज हर देश, जीवन संसार का कोई भी देश आज मॉडर्नाइजेशन में पीछे नहीं है, तो इसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यूज आइडियाज, भाई नए नए विचारों को, नए नए दृष्टिकोण को अपनाना, नए विचारों को अपनाना, नए दृष्टिकोण को इसमें अपनाया जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें सोचा जा रहा है हर प्रकार से। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और साइंटिफिक तरीके से ही हर बात को सोचा जाता है। उसके बाद बच्चों, फेथ इन चेंज, जो मॉडर्नाइजेशन है वो बदलाव में विश्वास रखता है। बच्चों, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। देखो, आज की हम बात करें जो 20 साल पहले जो जिस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाते थे, जिस प्रकार से टीचर बच्चों को शिक्षा देते थे, आज वो युग नहीं रहा है, वो सब बदल गया है। तो ये सारा क्या है, ये परिवर्तन है, ये चेंज है, ये मॉडर्नाइजेशन का ही कमाल है बच्चों सारा का सारा। एक्वायरिंग द लेटेस्ट नॉलेज, भाई नई नई बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज को गेन करना, नई जानकारी को प्रयोग करके, नई जानकारी को ग्रहण करके उसको यूज में लाना, ये मॉडर्नाइजेशन की ही विशेषता है बच्चों। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स को अपनाना, आज हर क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, चाहे औद्योगिकरण हो, मशीनीकरण हो, या हमारी कृषि हो, हमारी शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब में नई नई टेक्निक्स आज अपनाई जा रही है। और कहा मेटलिस्टिक एटीट्यूड, बिल्कुल आज जो है एक प्रकार से भौतिकीकरण जो है वो हो रहा है हर प्रकार का। हर व्यक्ति जो है नए नए संसाधन जुटाना चाहता है, घरों में लगा लीजिए जो है हर प्रकार के ऐसो आराम के या अपने भौतिक सुख के लिए जो है हर प्रकार के संसाधन, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, या और कुछ भी हो। बच्चों, गृहिणी की भी अगर बात करें, पहले घर में चूल्हे पर खाना बनता था, लेकिन आज जो है गैस का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं हर प्रकार से। तो ये सारा क्या है, ये बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन का ही कमाल है। फेथ इन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, इसमें बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रजातंत्रता पर विश्वास किया जाता है। ये नहीं कोई भाई मैं ही केवल इसका प्रयोग करूं, यदि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको सब लोग अपना सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल जो है प्रजातंत्र पर विश्वास लेकर चला जाता है। और कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए आज जो है ना औद्योगिकीकरण हो रहा है, बहुत
तीव्र गति से बढ़ रहा है औद्योगिकरण, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नई नई मशीनें में आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है उनमें, तो ये बच्चों मॉडर्नाइजेशन का ही कमाल है सारा। और कंप्यूटराइजेशन देखो, आज हर क्षेत्र का कंप्यूटराइजेशन हो गया है, चाहे हमारे बैंक हो या हमारे डाकघर हो, रेलवे हो, कोई भी विभाग हो हमारा, आज कंप्यूटराइजेशन से वो अछूता नहीं है। सब सभी विभागों में कंप्यूटराइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सब जो है वो टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है हर जगह पर। चाहे आप घर बैठे ही पता लगा सकते हो कि कौन सी ट्रेन किस समय पर आएगी, उसका टिकट आप घर से ही बुक कर सकते हो, आप अपने घर से ही बैठे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, निकलवा सकते हो पैसे। तो ये सारा कंप्यूटराइजेशन जो ये बैंकों में, डाकघरों में, हर विभाग में जो आज हो रहा है बच्चों, ये मॉडर्नाइजेशन का ही एक कमाल है, मॉडर्नाइजेशन की ही विशेषता है। अर्बनाइजेशन की बात करें, देखो आशहरीकरण हो रहा है तीव्रता से, क्योंकि शहरों में हर वो सुविधाएं, वो टेक्निक उपलब्ध हैं जिसको हर व्यक्ति जो है प्रयोग करना चाहता है, तो वो गांव के बजाय जो है वो शहरों की तरफ आज लोग दौड़ रहे हैं। और मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बच्चों, रहन सहन जो है वो आज आधुनिक हो गया है, मॉडर्न हो गया है, लोगों की इच्छाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं लोग। स्ट्रेस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें जो मॉडर्नाइजेशन में बच्चों केवल प्रेजेंट और फ्यूचर को ही बल दिया जा रहा है कि हम अपने वर्तमान को किस प्रकार ज्यादा सुखी बना सकते हैं, अपने फ्यूचर में और आगे हम कैसे सिक्योर हो सकते हैं, इस बात पर इसमें ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। वरना जो भूतकाल बीत चुका है उसमें के लिए कोई स्थान इसमें नहीं है। और आप फेथ इन मैकेनिज्म, भाई जो सबसे ज्यादा जो मशीनी युग है ये आज, आज जो है लोगों का विश्वास जो है वो मशीनों पर ज्यादा हो गया है, हर काम मशीनीकरण से हो रहा है, सब लोग मशीनीकरण के लिए लगे हुए हैं। और इंटरनेशनल आउटलुक ऑफ लाइफ, लोगों का आज के युग में जो बच्चों जीवन का जो दृष्टिकोण है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच का हो गया है, यानी कि लोग कोई केवल मैं और मेरे देश की ही बात नहीं अब सोच रहे, पूरे वर्तमान पूरी सृष्टि की बात इसमें सोची जाती है, लोगों का ऐसा दृष्टिकोण हो चुका है। तो बच्चों